क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? अब सर, जिस प्रकार से क्रूज ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था? क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोस्वामी और प्रभाकर सैल के, इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था, तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 1-3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया। एक क्रूज पे छापेमारी हुई, 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई, सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी। लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे। हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है, व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फ़ोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। अगर रेड शिप पे डाली गई तो क्रूज को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों SIT के सामने सारे बयान हैं, CCTV फुटेज हैं, कॉल CDR होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है, अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत, आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का वही का काम चलते रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 2017 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी DRI ने की थी और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2-2 SIT जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं।